अथ श्रीयोग मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे द्वितीयः सर्गः विश्वामित्रौ वाच तस्य व्यासतनूजस्य मलमात्रोपमार्जनम् यथोपयुक्तम् ते राम तावदेवोपयुज्यते ज्ञेयमेतेन विज्ञात मशेषेण मुनीश्वराः स्वदन्ते न तद्भोगा रोगा इव सुमेधसे ज्ञातज्ञेयस्य मनसो नूनमेतद्धिलक्षणम् न स्वदन्ते समग्राणि भोगवृन्दानि यत्पुनः भोगभावनया याति बन्धो दार्ढ्यमवस्तु यः तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम् तानवम् राम मोक्ष इत्युच्यते बुधैः पदार्थवासनादार्ढ्यम् बन्ध इत्यभिधीयते स्वात्मतत्त्वाभिगमनम् भवति प्रायशो नृणाम् मुने विषयवैरस्यम् कदर्थादुपजायते सम्यक् पश्यति यस्तज्ञो ज्ञातज्ञेयः स पण्डितः न स्वदन्ते बलादेव तस्मै भोगा महात्मने यशः प्रभृतिना यस्मै हेतुनैव विना पुनः भुवि भोगा न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ज्ञेयम् यावन्न विज्ञातम् तावन्न जायते विषयेश्वरतिर्जन्तोर्मभूमौ लता यथा अत एव हि विज्ञात ज्ञेयम् विद्धि रघूद्वहम् यदेनम् रञ्जयन्त्येता नारम्या भोगभूमयः रामो यदन्तर्जानाति तद्वस्त्वित्येव सन्मुखात् आकर्ण्यचित्तविश्रान्ति माप्नोत्येव मुनीश्वराः केवलम् के भाव विश्रान्तिम् समपेक्षते रामबुद्धिः शरल्लक्ष्मीः खलु विश्रमणम् यथा अत्रास्य चित्तविश्रान्त्यै राघवस्य महात्मनः युक्तिम् कथयतु श्रीमान् वसिष्ठो भगवानयम् रघूणामेष सर्वेषाम् प्रभु कुल गुरु हु, सदा सर्वज्ञः सर्वसाक्षी च त्रिकालमल वशिष्ठ भगवन पूर्वं कचित् स्मरसि यत् स्वयं आवयोर वैरा शांत्यर्थं श्रेयसे च महाधिया निषधाद्रय सानौ सरलसङ्कुले उपदिष्टम् भगवता ज्ञानम् पद्मभुवा बहू येन युक्तिमता ब्रह्मन् ज्ञानेनेयम् हि वासना सांसारी नूनमायाति शमम् श्यामेव भाश्वता तदेव युक्तिमज्येयं रामायान्ते निवासिने ब्रह्मन्नुपदिशाशु येन विश्रान्तिमेष्यति कदर्थना च नैवेश रामो हि गतकल्मषः निर्मले मुकुरे वक्त्र मयत्नेनैव बिम्बति तज्ज्ञानम् स च शास्त्रार्थ त्वद्वैदग्ध्यमनिन्दितम् सच्छिष्याय विरक्ताय साधो यदुपदिश्यते अशिष्याया विरक्ताय यत्किञ्चिदुपदिश्यते तत्प्रयात्यपवित्रत्वम् गोक्षीरम् स्वदृताविव वीतरागभयक्रोधा निर्माणागलितैन सह वदन्ति त्वादृशा यत्र तत्र विश्राम्यतीहधीः इत्युक्ते गाधिपुत्रेण व्यासनारदपूर्वकाः मुनयस्तेतमेवार्थम् साधु साद्वित्यपूजयन् अथोवाच महातेजा राग्यः पार्श्वे व्यवस्थितः ब्रह्मेभ ब्रह्मणः पुत्रो वशिष्ठो भगवान् मुनि श्री वशिष्ठः वचः मुने यदा दिशसि मे तदा विघ्नम् करो म्याम कहा समर्थः समर्थो भी सताम् लंघायि अहं हिराजपुरा मनस्तम ज्ञनेम्याशु दीपेन निषात स्मराम्य खंडित सर्व संसार भ्रम शात निषधाद्रौ पुरा पद्मजन्मना बालमी उवाच इति निगदितवानसौ महात्मा परिकरबन्धगृहीतवक्तृतेजाः अकथयदिदमज्ञतोपशान्त्यै परमपदैकविबोधनम् वसिष्ठः इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकि मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे विश्वामित्र वाक्यम नाम द्वितीय सर्ग विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी से श्री राम को उपदेश करने के लिए अनुरोध करना और वशिष्ठ जी का उसे स्वीकार कर लेना ये सब इस द्वितीय सर्ग में बताया गया है श्री विश्वामित्र जी कहते हैं हे मुनीश्वरो श्री रामचंद्र जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम को भोग अच्छे नहीं लगते वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं जिसने ज्ञेय वस्तु को जान लिया है उसके मन का अवश्य ही यही लक्षण है कि उसे सारे भोग समूह फिर कभी रुचिकर नहीं जान पड़ते भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है और भोगवासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है भोग भाव या, या बंधो दार वस्तु तयोपांत या, या बंधो जगति तानवम हे श्री राम विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन बताते हैं जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से रहित है वही तत्वज्ञ है उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है और वही विद्वान है उस महात्मा पुरुष को भोग हटात अच्छे नहीं लगते जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता अतः हे मुनिवृंद आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल तिलक श्री राम को ज्ञ तत्व का ज्ञान हो गया है क्योंकि इन्हें ये भोगों के रमणीय स्थान आनंदित नहीं कर रहे हैं मुनीश्वरों श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को बुद्धि के द्वारा जानते हैं उसके विषय में जब सदगुरु के मुख से यह सुन लेंगे कि यही परमार्थ वस्तु है तब इनके चित्त को अवश्य विश्राम प्राप्त होगा जैसे शरतकाल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा रखती है उसी तरह श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्मा के तत्व में विश्राम की अपेक्षा है अतः महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त के विश्राम के लिए यह पूज्यपाद श्री वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करें क्योंकि यह समस्त रघुवंशियों के ही नहीं समूचे इक्श्वाकुवंशियों के भी सदा से प्रभु नियंता एवं शिक्षक और कुलगुरु हैं इसके सिवाय यह सर्वज्ञ सर्वसाक्षी तथा तीनों कालों में मोह आदि से रहित निर्मल दृष्टि वाले हैं पूज्यपाद वशिष्ठ जी क्या वह पहले की बात आपको स्मरण है जबकि हम दोनों के वैर की शांति तथा परम बुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए देवदारु के वृक्षों से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर साक्षात पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया था ब्रह्मन उस युक्तयुक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना अवश्य उसी तरह नष्ट हो जाती है जैसे भगवान भास्कर के उदय से अंधेरी रात नष्ट हो जाती है विप्रवर आप उसी युक्त युक्त ज्ञ वस्तु का अपने शिष्य श्री राम को शीघ्र उपदेश कीजिए जिससे ये विश्राम शांति को प्राप्त हों इसमें आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि श्री रामचंद्र जी सर्वथा निष्पाप हैं अतः जैसे निर्मल दर्पण में बिना यत्न के ही मुंह का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्राम प्राप्त हो जाएगा महात्मन वही ज्ञान वही शास्त्रार्थ और वही पांडित्य सार्थक एवं प्रशंसित है जिसका वैराग्य युक्त उत्तम शिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है जिसमें वैराग्य नहीं है तथा जो शिष्य भाव से रहित है उसे जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है वह कुत्ते के चमड़े से बने हुए कुप्पे में रखे हुए गाय के दूध की भांति अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है जहाँ आप जैसे वितराग निर्भय क्रोधशून्य अभिमान रहित तथा निष्पाप महापुरुष तत्वज्ञान का उपदेश देते हैं वहाँ तत्काल बुद्धि को विश्राम प्राप्त होता है गाधीनंदन विश्वामित्र के ऐसा कहने पर व्यास और नारद आदि उन सभी मुनियों ने साधु साधु कहकर उनके उस कथन की ही भूरी भूरी प्रशंसा की तत्पश्चात राजा दशरथ के बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने जो ब्रह्मा जी के समान ही ज्ञान और विज्ञान से संपन्न थे कहा श्री वशिष्ठ जी बोले मुने आप जिस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दे रहे हैं उसे मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आरंभ कर रहा हूं शक्तिशाली होकर भी संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है पूर्व काल में निषद पर्वत पर पूजनीय पद्मयोनी ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का उपदेश किया था वह सब अविकल रूप से मुझे याद है श्री वाल्मीकि जी बोले जिस प्रकार भूषण वस्त्र और अस्त्र आदि सामग्री से युक्त उत्साह सहित शूर अथवा नट शोभित होता है इसी प्रकार शिष्यों के प्रबोधार्थ दृष्टांत, उपाख्यान प्रमाण तर्क और युक्ति आदि के अनुसंधान और उत्साह आदि रूप सामग्री संयुक्त और वक्ता के तेज सहित महात्मा वशिष्ठ जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की और अनंतर संसार के अज्ञान की शांति के लिए आत्मतत्व रूप परम पद में एकता बोधक शास्त्र का कथन किया इस प्रकार वासिष्ठ महारामायण के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में वाक्य नाम वाला ये दूसरा सर्ग पूरा हुआ